6:30 हो रहे हैं इस वक्त, और बस ये वाली बस जिससे मैं दिल्ली से आया हूँ रामपुर जाना है, इस वक्त रुकी हुई एक छोटे से गांव में, नाम है ओडी। नारकंडा से हम आगे आ चुके हैं, रामपुर और नारकंडा के बीच में है ये गांव ओडी, वहाँ पड़ता है। एक ढाबे पर रुकी हुई है जहाँ पर लोग इस वक्त वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं और नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सफ़र दिल्ली से लेकर यहाँ तक का ठीक ठाक था, बस कंफर्टेबल है, एयर कंडीशन होने की वजह से ठीक ठाक था, सीट्स रिक्लाइनर हैं। बीच में सिर्फ जो छोटा सा स्ट्रेच था वो एक्चुअली परवाणू यानी हिमाचल बॉर्डर से लेकर सोलन तक का जो स्ट्रेच है वहाँ पर सड़क चौड़ी हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा ख़राब था, उसके बाद सड़क ठीक थी। हालांकि हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो उनके अंदर कुछ विशेष ताकत आ गई थी पहाड़ों में घुसते ही, हिमाचल के हैं, पहाड़ के हैं, पहाड़ देखकर शायद कुछ हुआ होगा उनको, और इतनी तेज़ चलाई उन्होंने पहाड़ों में, नींद नहीं आई ठीक से, पैसेंजर्स इधर उधर मोड़ आते इधर, बस ऐसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सफ़र रहा। बस अब 6:30 हो रहे हैं, करीब 1.5 घंटे के बाद में पहुँच जाएँगे रामपुर बुशहर, और उसके बाद देखते हैं आगे का सफ़र। अभी पता चला कि हमारी बस जिस ढाबे से चली थी तो करीब 5-6 किलोमीटर आगे आ गई है। ड्राइवर के पास में फ़ोन आया और पता चला कि एक पैसेंजर को हम वहीं छोड़ आए हैं पीछे। तो अगर आप इस तरह जो सरकारी रोडवेज बसेज हैं हिमाचल रोडवेज या, तो बेटर है अपने आसपास पैसेंजर्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, वो टॉयलेट गए हुए थे एक्चुअली पैसेंजर, और अब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब वो आएंगे किसी तरीके से, रामपुर में पहुँचेंगे, रामपुर में बस टर्मिनेट हो जाती है, कैसे उनका सामान मिलेगा कुछ पता नहीं है। तो थोड़ी सी गलती उनकी भी थी, उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। तो कभी आपके साथ में ऐसा हो तो क्या तो कंडक्टर को बता दीजिए कि मैं थोड़ा मतलब टॉयलेट जा रहा हूँ या लेट हो रहा है, ताकि वो उनको इन्फॉर्मेशन रहे आपकी, या आपने आसपास के जो पैसेंजर्स हैं उनको बता दी। फिलहाल ये दोनों ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बहस करने में लगे हुए हैं कि किसकी गलती थी। दादी के घर? ओ कितने दूर है यहाँ से? थोड़ा दूर। थोड़ा सा दूर? पैदल जाओगे? नहीं। फिर? बस। बस जाती है वहाँ पे? बस स्टैंड जाके ब्लू वाली बस पे जाएंगे। ओ। वो लेके आएंगे। ये टूट जाएगा ऐसे। आपका नाम क्या है? पूर्ण। यहाँ यहाँ देख के बोलो। अरे नहीं, इसमें इसको छूना नहीं है। आशा शर्मा है? आशा शर्मा। समझ में नहीं आ रहा? आशा शर्मा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। आशा शर्मा। हाँ बहुत गर्मी है, थोड़ी सी मुझे भी करना। नहीं पिक्चर भी आएगी, वीडियो भी आएगा। चलिए हम पहुंच गए रामपुर के बस स्टैंड में, कैमरा काफ़ी गंदा हो रहा है। तो यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली से चलकर रामपुर बुशहर आने वाली ये बस अब रामपुर बुशहर पहुंच चुकी है, और हमें खेद है कि हमारे एक यात्री को हम पॉटी करते हुए पीछे छोड़ा है। मगर गलती थोड़ी सी उनकी भी थी, इन्फॉर्म कर देना चाहिए था उनको। खैर हमें उम्मीद है कि हमारी यात्रा आगे वाली यात्रा मंगलमय होगी। चलिए भैया, थैंक यू। ओके बाय। चलो।
आठ बजकर 40 मिनट, मतलब वही 8:30 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, 8:30 बजे पहुंच जाएंगे। कल चले थे 7:30 बजे शाम को, वही 12-13 घंटे लगते हैं यहाँ पहुंचने में। तो फिलहाल पहुंच गया हूँ रामपुर बुशहर में, ये इसका बस स्टैंड है। यहाँ से अलग अलग जगहों पर जाने के लिए प्राइवेट और सरकारी बसेस खड़ी हुई हैं। तो अब मैं यहाँ से पता करता हूँ अगली बस काजा पीओ कू कहाँ के लिए मिल पाती है। अगली बस कहाँ से मिलेगी ये पता करना होगा इंक्वायरी काउंटर से। अब इंक्वायरी काउंटर कहाँ पर है भाई साहब? इंक्वायरी काउंटर कहाँ पर है? इंक्वायरी काउंटर अभी है यहाँ से। थैंक यू। इनकी टोपी देखना ज़रा, कुछ पैसेंजर्स मेरे राइट साइड में बैठे हुए हैं। ये जो हरे रंग की टोपी है ना, इसको बोलते हैं किन्नौरी टोपी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कई साल पहले मैंने भी ली थी। नालागढ़। भैया इंक्वायरी काउंटर कहाँ पर है? हाँ जी इंक्वायरी है, पूछताछ। हाँ पूछताछ पर किस तरफ वो भैया? इंक्वायरी कहाँ पर है? पूछताछ। थैंक यू। पूछताछ 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 कहाँ पर? यही है क्या भाई साहब? इंक्वायरी काउंटर यही है क्या? अरे पूछताछ लिखा हुआ उसके बाद में मैं खाम खा लोगों को परेशान कर रहा हूँ। मुझे जाना है यहाँ से काजा, तो कैसे निकलूँ? आप यहाँ से पीओ जाना पड़ेगा जी। पीओ से मॉर्निंग में सवेरे 7 बजे जाता सीधा काजा के लिए। पीओ से काजा कितने घंटे का रास्ता होगा? कम से कम 10 घंटे लगेंगे पीओ से काजा के लिए। एकदम हिल एरिया है, मतलब मैं यहाँ से अभी फिलहाल पीओ जा सकता हूँ और रात को वहाँ रुकना पड़ेगा। नाइट स्टे आज पीओ करना पड़ेगा? पहले आपको जाना पड़ेगा पीओ और रिकॉन्ग पीओ से फिर काजा जाने के लिए बसें मिलेंगी। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट उनका कहना ये है कि यहाँ से सीधी बस, यहाँ से चॉइस की सीट्स मिलना मुश्किल होगा। रामपुर बस अड्डे पर ही हूँ अभी तक, रामपुर बस टर्मिनल पर। और सुबह वो कोई जगह थी बीच में नारकंडा के पास में, मतलब वहाँ फ्रेश हो गया था और अब यहाँ ब्रश किया। यहाँ पर पानी मिल गया था, यहाँ नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर था उसको यूज़ किया, तो थोड़ा मुंह वगैरह धो लिया है। तो ऑलमोस्ट मैं तैयार हूँ आज के दिन के लिए, यात्रा के लिए। तो आप भी चाहें तो इन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं इस तरह के बस टर्मिनल्स पर। ये है सामने रामपुर का HRTC बस स्टैंड। जिस बस पर रिकॉम क्यों जाना था बस तो भर गई है, अगली बस शायद आधे घंटे के बाद है अगली बस। तो अगली बस है आधे घंटे के बाद में, तब तक मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ। तो इन भाई साहब, ये भाई साहब गोभी के पराठे खिलाएंगे ना आपको, 20 रुपये का एक। तो यहाँ मिलते हैं गोभी के पराठे साथ में चटनी। मैंने इनसे कहा है कि बिना तेल के अगर बना सकें। अब बिना तेल के बना रहे हैं ना गोभी के पराठे। पराठे का इंतज़ार हो रहा है, कॉफ़ी पीछे की दुकान से आ रही है, 15 रुपये की एक कॉफ़ी और 20 रुपये का एक पराठा। पराठा आ गया है, ये रहा। थोड़ा सा तेल है इसमें और आँखों में जलन हो रही है क्योंकि रात भर सोया नहीं था इसलिए। ये है गोभी का पराठा। कौन सी गली है यहाँ पर दिल्ली में? चांदनी चौक, पराठे वाली गली। ये पराठे वाली गली का पराठा है ये, और ये स्टारबक्स की कॉफ़ी 15 रुपये की, हमारे पराठे वाली गली का पराठा 20 रुपये का। एक मिनट की बस आ चुकी है, मेरे मुँह में पराठा भरा हुआ है, 5 मिनट निकलने वाली है, मुझे भागना है अब। भैया कहाँ खड़ी बस? रिकॉम्पे वाली ये नहीं पी है, इसी बस ये बिलासपुर के साथ वाली। हाँ ठीक है, थैंक यू भैया पराठे के लिए। थैंक्स भाई।
रिकॉन्क्यो वाली बस, रिकॉन्क्यो वाली बस कौन सी भैया? ओ ये खड़ी है सामने। ये धर्मशाला से आ रही है, रिकॉन्क्यो से ठंगी जाएगी, ठंगी। अब ठंगी कहाँ पर है पता नहीं। मुझे अपनी फेवरेट सीट मिल गई है, ये वाली ड्राइवर के साथ वाली, बिकॉज यहाँ से व्यूज सबसे अच्छे नज़र आते हैं इस तरफ के और आगे। थोड़ी देर में मोबाला एरिया आ जाएगा, जिसके लिए ये NH22 नाम है ना इसका शायद, मतलब अब तो खैर हाईवे के नंबर्स चेंज हो गए हैं, अब वो सारा एरिया आने वाला है जिसके लिए ये हाईवे बहुत फेमस है। बहुत डेंजरस सड़क है, बहुत डेंजरस सड़क है। ये जो गेट था ये था नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट का, जो एक टाइम पर आज से कुछ साल पहले, मतलब 5-6 साल पहले तक इंडिया का सबसे बड़ा हाइडल पावर प्रोजेक्ट था, लेकिन अब ये चौथा बड़ा हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ा है टिहरी उत्तराखंड में। ये जो डैम है नाथपा झाकड़ी, ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, नदी ये नीचे इस तरफ। ये लिखा हुआ यू आर जस्ट अबव द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पावर कॉम्प्लेक्स ऑफ द नेशन। मैं कह रहा था ना वो NH22 है इसका हाईवे का नाम, वो अब नहीं है, इसका नया नंबर है NH5, नेशनल हाईवे नंबर 5। कल शाम का चला हुआ हूँ, नहाने का मौका नहीं मिला आज सुबह, बस थोड़ा सा फ्रेश हो पाया था, टॉयलेट यूज़ किया, ब्रश किया, तब से बस ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। खैर चलता है, एक दिन चलता है। बस बढ़ाल नाम की एक जगह पर रुक गई है, छोटा सा गांव है बढ़ाल। आज से कुछ साल पहले 2012 या 13 में जनवरी का टाइम था, मैं अपनी थंडरबर्ड रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड पर दिल्ली से चला था, जाना था किन्नौर, स्पीति मतलब ऐसे किन्नौर में जहाँ तक जा सकूँगा ऐसा कुछ प्लान किया था। तो यहाँ शाम हो गई थी बढ़ाल तक पहुँचते, यहाँ पर आगे जाके घर आता है बढ़ाल में, उस घर में मैं रुका था, वो आगे आएगा घर। तो ये वही गांव है बढ़ाल, यहाँ से आगे फिर किन्नौर शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये लास्ट गाँव है डिस्ट्रिक्ट शिमला का, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट किन्नौर शुरू हो जाएगा।